हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल वंसा वाई पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं खिचड़ी। हमें 6 लोगों के हिसाब से बनाना है। हमने 3 कप राइस लिए हैं, इसे हमें 15 मिनट भिगो के रखना है। उसके बाद खिली खिली सी खिचड़ी बन जाएगी। यह हमने 2 कप मटर के दाने लिए हैं फ्रेश वाले। ये अदरक लिया है, लहसुन लिया है और हरी मिर्च ली है। 3 टमाटर लेने हैं, 2 आलू लेने हैं, 3 प्याज लेने हैं। हम ऐसे लंबे लंबे प्याज काट के डालेंगे। आपको अगर बारीक बारीक भी काट के डालने हैं वो आपके ऊपर है। ये हमारी प्याज कट के तैयार है। अभी हम अदरक लहसुन को कूट लेंगे। टमाटर हम इसमें कद्दूकस करके डाल रहे हैं। कई बार बच्चों के मुंह में टमाटर के छिलके आ जाते हैं तो बच्चे खाते नहीं हैं। अभी हमने कुकर को गर्म कर लिया है। हम इसमें घी डाल रहे हैं 2 चम्मच। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में बहुत टेस्टी बनती है। इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम हींग डाल रहे हैं, उसके बाद हम तेज़पत्ता डाल रहे हैं, फिर हम प्याज डाल रहे हैं इसमें। इसे हमें 5 मिनट तक भूनना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी। ये देखिए, अपना प्याज अभी थोड़ा सा हल्का सा लाल हो गया है। बहुत ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है, हल्का सा सुनहरा कलर करना है। अभी इसमें हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का कूट के दरदरा पेस्ट बनाया हुआ है। बहुत बारीक हमें पीसना नहीं है। हम दाल वाली खिचड़ी नहीं बना रहे, हम आलू वाली खिचड़ी बना रहे हैं। अभी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 से 1.5 मिनट हमें इसको भूनना है फुल गैस पे। उसके बाद हम डालेंगे आलू। आलू को भी हल्का सा 2 मिनट तक हमें फुल गैस पे भूनना है। ये अपना आलू भी 2 मिनट के लिए अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। जो आलू का कच्चापन होता है उससे इतनी खिचड़ी टेस्टी नहीं बनती है जितना 2 मिनट अगर आप इसे फ्राई कर लोगे तो और भी अच्छी खिचड़ी टेस्टी लगती है। टमाटर हमने डाल के 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। अभी इसी के साथ हम मसाले को भी डालेंगे। ये स्वाद अनुसार हमने नमक डाला। आपकी जितनी खिचड़ी है उस हिसाब से आपको नमक डालना है। लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है तो अपने टेस्ट के अनुसार। मेरे बच्चों को तीखा खाना अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा तीखा डालती हूँ। यह हल्दी पाउडर डाल दिया हमने 1/2 स्पून। धनिया पाउडर 2 चम्मच। और ये मेरा घर का कूटा हुआ गरम मसाला है। इससे खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब ये सब मसाले डाल के हम 2 मिनट ढक्कन लगा के रखेंगे। हमें कुकर का ढक्कन बंद नहीं करना है, बस हल्के से ऊपर रखना है। देखो कितना अच्छा तेल निकल आया है। 2 मिनट बिना हिलाए से आप ढक के रखिएगा। बहुत अच्छा मसाला, एकदम बढ़िया खुशबू निकल रही है इसमें से। अब इसमें हम डाल रहे हैं मटर। लास्ट में हमें मटर डालना है। इसको भी अच्छे से भूनना है। जब मटर 2 मिनट भून जाए उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और चावल डाल के इसे सीटी लगा देंगे। ये 2 मिनट अभी हमने मटर को भी भून लिया है। बहुत अच्छे से मसाला भून गया है। कलर भी आप देख रहे हैं कितना प्यारा आया है इसमें। अभी हम इसमें डालेंगे 15 मिनट हमने चावल भिगा के रखे हैं। चावल भिगा के सॉफ्ट बनते हैं और खिचड़ी बहुत खुली खुली सी बन जाती है। चावल डाल के इसे हल्के हाथ से आप घुमाइएगा, नहीं तो आपके चावल टूट जाएंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी कितना डालना है? जितने हमारे चावल है उससे 2 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। और इसे ज़्यादा नहीं आपको पकाना है। 2 सीटी लगते ही
गैस बंद कर देना है। जब तक हमारी खिचड़ी बन रही है दोस्तों, हम इसके साथ खाने का सैलड तैयार करेंगे, जो इसके साथ बहुत टेस्टी बनता है और खिचड़ी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। दोस्तों, हमने दो प्याज ली है, एक कच्ची कैरी ली है। अभी आम का सीज़न है तो हमने कच्ची कैरी ली है, नहीं तो आप प्याज और पत्ता गोभी के साथ नींबू ऐड कर सकते हैं खट्टाई के लिए। हमें इसको बारीक नहीं काटना है, अच्छे से हमें इसको ऐसे लंबा लंबा सा काटना है। ये बहुत प्यारा दिखने में भी लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखो, प्याज को भी हमें इसी तरह से लंबा लंबा सा ऐसे काट लेना। ये कच्ची कैरी है, अच्छे से धो के छील के लिए है, इसे भी हमें ऐसे पतला पतला स्लाइस में काटना है। फिर हम इसे जैसे हमने पत्ता गोभी और प्याज काटा है, इसे भी ऐसे ही बारीक बारीक काटना है। अभी सब चीज़ें हमें एक बाउल में डालनी है और इन्हें अच्छे से खोलना है, इसे एकदम पतली पतली सी पूरी मिक्स करनी है तीनों भी चीज़ें। यह हमारी कुकर की सीटी हो गई है, खिचड़ी पकने तक हमारा सैलेड भी तैयार हो गया है। आम, प्याज और पत्ता गोभी हमने काट के डाली है, अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से हरा धनिया, जो बहुत प्यारा दिखाई देगा। इसमें हम मसाले डालेंगे, इसमें हमने नमक डाला और हल्की सी लाल मिर्ची डाली और इसे अच्छे से घुमा लीजिएगा। ये देखिए, हमने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है। खिचड़ी के साथ ये बहुत टेस्टी बनेगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जब तक आपकी खिचड़ी को दो सीटी लग रही है, तब तक आपका मज़ेदार सैलेड तैयार हो गया। दोस्तों, हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है। अभी हम कुकर का ढक्कन खोल के देखते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, देख लीजिए कितनी प्यारी और दानेदार खिचड़ी बनी हुई है। मटर, आलू, बच्चों को बहुत टेस्टी लगती है। ये हमारी मम्मी हमें बचपन में खिलाती थी और यही अभी हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, नानी की खिचड़ी बोल के, और बच्चे बहुत दिल से बहुत खुशी से खाते हैं। आप भी अपने बच्चों को खिला के देखिएगा, बहुत दिल से खाएंगे। दोस्तों, ये हमारी खिचड़ी बन के रेडी हो गई है। ये देख लीजिए, इसके साथ हमने सैलेड किया है, दही, पापड़, जैसे आपको चाहिए वैसे खा सकते हैं आप। एक बार खा के ज़रूर देखिएगा, एक बार खाओगे आप दोबारा वापस बनाओगे।